हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.3 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। PQR इज ए ट्रायंगल इन विच PQ इज इक्वल टू PR। देखिए, PQR आपका ये ट्रायंगल है और इसमें PQ जो है वो PR के बराबर है। एंड S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड PQ, यानी कि लेट से S आपका PQ लाइन पर कहीं पॉइंट है कोई, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, थ्रू S अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर एंड इंटरसेक्टिंग पी आर एट टी। इसका सिंपल सा मतलब है, इस पॉइंट से एक लाइन जाती है जो कि इस पी आर को टी पॉइंट पर कट करती है, और ये जो एस टी है ये आपकी पैरेलल है क्यू आर के। देखिए यहां पर लिखा है दिस लाइन इज पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि जो एस टी है वो आपकी पैरेलल है क्यू आर के। इसके बाद आपको प्रूव करना है PS इज इक्वल टू PT, यानी कि ये PS है और ये PT है, ओके। ये PS बराबर है PT के, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कहां से आपको शुरू करना है और किस तरीके से एंड करना है। देखिए, आपको प्रूव करना है PS बराबर PT। इसके लिए अगर मैं इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव कर दूं तो आप कह सकते हो कि जो साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। तो चलिए, हमारा जो मेन टारगेट है वो है इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एंगल PQR में, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। इन ट्रायंगल PQR, आपको यहां पर एक हिंट गिवन है कि ST जो है वो पैरेलल है QR के, ओके। सिंस यू नो दैट ST इज पैरेलल टू QR, यहीं से आपको हिंट मिल चुका है। चलिए किस तरीके से आप यूज करोगे, देखिए। एंगल पी एस टी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों बराबर होगा? दिस मेक्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको पूरा लिखना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और तीसरी लाइन उनको कट करती है तो यहां पर ये जो दो एंगल्स हैं ये बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। लेट से ये आपका एंगल वन है, ये एंगल टू है, तो एंगल वन बराबर होगा एंगल टू, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, इस एंगल को, एंगल पी एस टी को किसके बराबर किया है, इस एंगल के। क्यों? क्योंकि एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है ना, यही कंसेप्ट हमने यूज किया है। इसी तरीके से आप बोल सकते हो इन द सेम मैनर एंगल, यू कैन से पी टी एस, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना, दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल, यू कैन से पी आर क्यू, है ना, यही तो बनेगा पी आर क्यू, वंस अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर आपको पहली लाइन में गिवन है PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR। इसका सिंपल सा मतलब है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं, दैट मींस उनके अपोजिट में एंगल्स भी बराबर होंगे। तो आप यहां पर लिखोगे एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ओके। देखिए, PQR और PRQ ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों एंगल आपस में बराबर है। इसका सिंपल सा मतलब है ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। लेट से ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये आपकी इक्वेशन सेकंड। नाउ यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यू कैन से एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PTS, दोनों आपस में बराबर होंगे। यहां देखिए PQR, ओके, ये आपका PQR है और ये आपका PRQ, देखिए यहां पर PRQ। दैट मीन्स अगर ये आपस में दोनों बराबर हैं
तो जो इनके बराबर है इक्वल है वो आपस में बराबर होंगे, दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है। तो आप क्या करोगे, अब इसी कंसेप्ट को आप इस ट्रायंगल में अप्लाई करोगे, कौन से ट्रायंगल में, पीएसटी में, ठीक है। किस तरीके से, जब आपने प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं इस ट्रायंगल के अंदर पीएसटी में, तो ये साइड भी बराबर होंगी, कौन कौन सी, पीएस और पीटी, यही आपको प्रूव करना था, याद आया आपको कुछ, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, इन ट्रायंगल पीएसटी क्या लिखेंगे, Since you know, you have proved that angle PST is equal to angle PTS. Okay, you can say PS is equal to PT. Okay, इसका सिंपल सा मतलब है sides opposite to equal angles are equal. आप क्या लिखेंगे, तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि जो PS है वो PT के बराबर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एबी इज इक्वल टू एसी एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ। इसका सिंपल सा मतलब है आपको एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है एबीसी और यहां पर एबी जो है वो एसी के बराबर है, ठीक है, और दो यहां पर आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन है, ओके, दैट मीन्स ये जो आपका एंगल है बी और ये आपका एंगल सी है, तो यहां पर दो आपके बाइसेक्टर्स हैं, इस पूरे के पूरे एंगल को बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, बहुत सिंपल है। इंटरसेक्ट एट ओ यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो यहां पर मिलते हैं ओ पॉइंट पर। इसके बाद बोला है इफ एम इज ए पॉइंट ऑन बी ओ प्रोड्यूस्ड प्रूव दैट एंगल एमओसी इज इक्वल टू एबीसी। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बीओ लाइन है इस पर एक एम पॉइंट है, इस बीओ लाइन को आगे प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और यहां पर प्रूव करना है एंगल एमओसी जो है वो एंगल एबीसी के बराबर है, तो एमओसी एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये आपका एंगल है एमओसी और एबीसी है आपका ये कंप्लीट एंगल, तो इन दोनों एंगल को ही आपको बराबर प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इनको प्रूव करेंगे। शुरुआत आप वहीं से करें जो भी आपको गिवन होता है, लेट से आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC, तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं, AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है, ओके। इसका सिंपल सा मतलब है एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर होगा, तो आप यहां पर लिख लेंगे एंगल ACB या फिर आप यहां पर लिखेंगे AB जो है AB के लिए आएगा आपका एंगल ABC, ठीक है, एबीसी जो है वो आपका बराबर होगा एंगल एसीबी, ठीक है। इसके लिए आप लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो आप इसको लिख लेना। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को आपको टू से डिवाइड कर देना है, ठीक है, टू से डिवाइड क्यों कर देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखते जाइए किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, मैं आपको समझाते जाऊंगा साथ के साथ। तो देखिए एंगल एबीसी, एंगल एबीसी आपका ये वाला है, ठीक है, इसका हाफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें लिखना है ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये होगा आपका एंगल ओबीसी, ठीक है, और हाफ ऑफ एसीबी, इसका हाफ क्या होगा, या तो इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको लेना है ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये होगा आपका एंगल OCB, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना है हमने ये सब क्यों किया है। देखिए एक छोटा सा रूल होता है, जब किसी भी ट्रायंगल में यहां पर आपका एक एंगल बाहर होता है, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल BOC की, ओके, अगर आपका ये ट्रायंगल है BOC तो ये वाला जो आपका एंगल है ये आपका बनता है एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक रूल और होता है आपका कि इन दोनों का जो सम है, यानी कि एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी, इन दोनों को ऐड कर दूं तो इस एंगल के बराबर आएंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं एंगल एमओसी, ठीक है, एंगल एमओसी जो होगा वो बराबर किसके होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम, दैट मीन्स ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी। तो देखिए जैसे ही आपकी ये इक्वेशन फॉर्म होती है, ये क्यों हो गई,
क्योंकि आपका एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, है ना। और यहां पर मैं एंगल ओसीबी को लिख सकता हूं एंगल ओबीसी, ओके एंगल ओबीसी। अब इस एंगल ओसीबी की जगह मैं लिख सकता हूं ओबीसी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है। आप देखते जाइए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको लिखेंगे एंगल ओबीसी, दैट मीन्स ये आपका टू टाइम्स हो जाएगा एंगल ओबीसी, ओके। और इसको दोगुना करने का क्या मतलब है, ये जो हमने यहां पर टू टाइम्स किया है ये क्यों किया है, कुछ तो कारण होगा। वो कारण ये है कि जैसे ही मैं इसका डबल करता हूं, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल बनता है आपका। मेरी बात आई समझ में? इसका दोगुना करने का मतलब है ये बनता है एंगल आपका एंगल एबीसी, और आपको क्या प्रूव करना था, एंगल एमओसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी। मेरी बात आई समझ में? तो यहां पर छोटे छोटे रूल्स हैं वो आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब इस टू टाइम्स ऑफ एंगल ओबीसी को आप क्या लिख सकते हो, दोगुना करने का मतलब क्या है, ठीक है, ये हाफ है आपका, ये हाफ है, ठीक है, दैट मीन्स ये टोटल एंगल आपका एंगल एबीसी ही काउंट होगा, ओके। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। दैट मीन्स आपने यहां पर प्रूव कर दिया कि जो एंगल एमओसी है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये किसके बराबर है, एंगल एबीसी के बराबर है। तो देखो कितना आसान था, जो भी आपको गिवन है हमने वहीं से शुरुआत की, आपको एबी इज इक्वल टू एसी गिवन था, ओके। इसके बाद आपने क्या किया, यहां पर छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन किया है, मॉडिफाई करके जो जो आपको यहां पर काम आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हाँ देखो यहां पर एक्सटीरियर एंगल बन सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी, एक दिन में नहीं आने वाली, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पी इज एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल एबीसी इफ द लाइन थ्रू पी पैरेलल टू एबी मीट्स बीसी एट क्यू, प्रूव दैट ट्रायंगल बीपीक्यू इज आइसोसेलस। देखिए यहां पर आपको ऐसा मेंशन नहीं है कि ट्रायंगल कौन सा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको यहां पर गिवन है कि ट्रायंगल आपका एबीसी होगा। तो यहां पर हमने ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया है, ये आपका ट्रायंगल है। देखिए अब समझिए, पी इज एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल एबीसी, यानी कि यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, दैट मीन्स ये एंगल इसके बराबर होगा, ओके फाइन। पी इज एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल एबीसी, यानी कि पी पॉइंट जो है इस लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करता है। तो चलिए हम मान लेते हैं ये आपका पी पॉइंट है, ओके आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है इफ द लाइन थ्रो पी पैरेलल टू एबी, यानी कि एक लाइन जाती है पी पॉइंट से जो कि एबी के पैरेलल है, और बीसी पर कहां मिलती है, क्यू पॉइंट पर, ओके। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे कि ऐसा लगना चाहिए कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल दिखें। तो चलिए इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, और ये यहां पर कट करेगी क्यू पॉइंट पर, ठीक है, यही तो बोला गया है। प्रूव दैट ट्रायंगल बीपीक्यू इज आइसोसेलस, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो आपका ट्रायंगल बनता है बी पी क्यू, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है, यानी कि टू साइड्स उसमें आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब भी आपको कहीं ना कहीं पैरेलल लाइंस मेंशन हो, तो आपके दिमाग में ऑल्टरनेट एंगल्स आने चाहिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आने चाहिए, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट आपको यूज करना है। तो हम शुरुआत करेंगे जो भी आपको गिवन होता है। तो आपको यहां पर गिवन है एबीपी, मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की और इस एंगल की, दैट मीन्स ए बी पी, ठीक है, ये वाला एंगल, ओके, ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के, दैट मीन्स ये आपका बराबर है पी बी क्यू के, ठीक है, पी बी क्यू हमने इसको नाम दे दिया, ओके फाइन। आप इसको लिख सकते हो बी पी बाइसेक्ट, ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो एंगल ए बी सी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब आपको कहीं ना कहीं ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, पैरेलल लाइन वाला। कैसे यूज करोगे, देखिए ये जो एंगल है आपका
इस एंगल के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दो आपकी पैरेलल लाइन इस तरीके से हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये बनते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन अगर मैं ये वाला एंगल बोल दूं तो ये एंगल हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। तो इसी तरीके से मैंने बात की है इस एंगल की और इस एंगल की, ये बनते हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये आपका एंगल है ए बी पी, ठीक है, यही वाला एंगल, ओके, ये इसके बराबर है। तो इसको आप लिखेंगे एंगल बी पी क्यू, ओके। तो इसको आप मान लेंगे इक्वेशन वन और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन टू। क्यों मानेंगे? देखिए, जैसे ही आपने ए बी पी के बराबर कर दिया पी बी क्यू और ए बी पी के बराबर ही कर दिया बी पी क्यू, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, पी बी क्यू, ठीक है। अब एक ही एंगल के बराबर दो एंगल्स हैं और वो भी ट्रायंगल कौन सा है? बी पी क्यू, जिसको आपको आइसोसेलस प्रूव करना है। यानी कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखते हो तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसका सिंपल सा मतलब है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल आपस में बराबर हैं। इसका सिंपल सा मतलब है BQ जो है वो आपकी PQ के बराबर हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि आपका जो ट्रायंगल है BPQ वो आइसोसेलस प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू यू कैन से, तो आप यहां पर लिखेंगे एंगल PBQ इज इक्वल टू एंगल BPQ, ठीक है। तो जैसे ही आपके दो एंगल बराबर होते हैं, किस ट्रायंगल में हुए हैं ये आपके? ट्रायंगल BPQ के अंदर, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है, जैसे ही आपके दो एंगल बराबर होते हैं तो आप क्या बोल सकते हो? BQ किसके बराबर होगा? PQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या फिर QP लिख सकते हो आप, ओके। रीजन क्या लिखोगे? आप लिखोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर आप लिख सकते हो हेंस ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि ये जो आपका ट्रायंगल है BPQ, ये आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है।